अकेला ही चला था गाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बच्चों, व्यक्ति जब जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो वह अकेला ही रहता है, और वो प्रयास अकेले ही करता है, लेकिन जीवन में उसके जो प्रयास हैं वो प्रयास परिणाम में बदलते जाते हैं, व्यक्ति सफल होता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं, और इस प्रकार से एक सामान्य सा व्यक्ति भी एक महान व्यक्तित्व तो बन जाता है। तो समय सबको अवसर देता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको समय ने अवसर ना दे। समय अवसर भी देता है, और अवसर देने के बाद जो छात्र, जो व्यक्ति उस अवसर का जैसे भी उपयोग करता है, गवाता है, लाभ उठाता है, उसके अनुरूप समय परिणाम भी देता है। और अगर उस समय का दुरुपयोग किया तो ये समय ही है जो ब्याज समेत अपनी कीमत वसूल भी करता है। इसलिए बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज भारत जैसे देश में, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में, जहां इतने बेरोजगारी है और हर बच्चा सरकारी सेवा में जाना चाहता है, लोक सेवक बनना चाहता है, उद्देश्य उसका लोक सेवा है या मेवा है ये अलग है, पर ये तो तय है कि वो सरकार में रह करके और कुछ ना कुछ करना चाहता है, नाम प्राप्त करना चाहता है, सम्मान प्राप्त करना चाहता है, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को वह गौरवान्वित करना चाहता है। तो स्वाभाविक है कि प्रयास प्रत्येक बच्चा कर रहा है और करना भी चाहिए। अवसर अगर नहीं है तो भी प्रयास बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अवसर कभी बता करके नहीं आते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टेशन पर खड़े होकर के किसी भी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और पता चला कि वो ट्रेन ना आई, लेकिन कोई दूसरी साप्ताहिक ट्रेन आ गई, और आप चूंकि पूरी तैयारी से खड़े हैं तो आपको उसमें तुरंत जगह मिल गई और आप अपने निर्धारित समय से भी पहले अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इसलिए मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं कि बेटे, अवसर बार बार नहीं आते और अवसर कहकर नहीं आते। अब देखिए, इसी क्रम में अभी मैं लंबे समय से कहता था, बच्चों पीएससी का पढ़ो, अरे सर पीएससी नहीं आ रही है, अरे सर वो मेंस नहीं हो रहा है, अरे सर वो प्री नहीं हो रहा है। अब आप देख लीजिए, मेरी कथनी में अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप मुझे अवगत जरूर कराएं। मैं पिछले 2-3-4 साल से एक ही बात कह रहा हूं, बेटा लगातार वैकेंसी आएंगी, लगातार आपको अवसर मिलेंगे, लेकिन अगर तैयारी आपकी पूरी है तो आप उन अवसर का लाभ उठा पाएंगे, और अगर तैयारी नहीं है तो बेटे अवसर आएंगे और अवसर चले जाएंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए हमारा यह दायित्व है, हर बच्चे का दायित्व है कि जो भी आपका एम है, अगर आप यूपीएससी के लिए है तो यूपीएससी प्री और यूपीएससी मेंस, ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं, नहीं वो साहब कहीं दिल्ली में, बंबई में मेंस कम प्री, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा बच्चा फाउंडेशन में प्री में ही फेल हो रहा है। जो आईएएस आईपीएस हैं, जो पहले के सिलेक्टेड हैं, वो आप देखिए प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं बच्चे से हमेशा कहता हूं कि बेटा आप बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़िए, प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर कीजिए, पहले फाउंडेशन की पूरी तैयारी, मेंस की पूरी तैयारी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस,
और देन फिर आप पूरे तैयार होकर के और फिर एग्जाम में बैठिए, देखते हैं कैसे आपका यूपीएससी का प्री मेंस रुकता है। दूसरी चीज एमपीपीएससी अगर देना है, अब देखिए बच्चे मेंस कर रहे थे, अब एकदम से प्रीलिम्स आ गया, अब 17 दिसंबर को 2023 का प्रीलिम्स है, गिने चुने दिन रह गए हैं। अब आपको देखिए प्रिय है, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद ही मार्च में मेंस है 2023 का और अप्रैल में 2024 की प्रिय है। आ गया ना लगातार वैकेंसी। जब मैं इतने समय से आपसे कह रहा था तो आपको लगता था कि जादुन सर तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन 25 साल का अनुभव है कि जादुन सर जो बोलते हैं वो भविष्य में जैसा का तैसा सच होता है। और इसलिए बेटे आज आज मैं फिर आपसे कहता हूं, उठो और बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाओ, लग जाओ कमर कस के। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, फिर याद रखना, यूपीएससी पीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑनलाइन की कोई वैल्यू नहीं है, ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर आज नहीं पढ़ रहे हैं तो एक आध दो साल गवा के, अवसर गवा के फेल होकर के आपको ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगी, आपको कोचिंग पढ़ना पड़ेगी, या आपको जैसे भी पढ़ना है, आपको घर बैठ करके भी पढ़ना है, बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। ये मोबाइल में देख देख करके आप कभी भी आईएएस आईपीएस या पीएससी के अंदर सिलेक्टेड बेटा मेरे अनुभव के आधार पर तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैं आज देख रहा हूं, हस्र देख रहा हूं, मैंने 12वीं के बच्चों का भी देखा, 40-42% रिजल्ट रहा है। आप सारे के सारे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, लिख भी नहीं पाए कॉपी में। यूपीएससी पीएससी आंसर राइटिंग मस्ट है, प्री में भी अगर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहां भी समझाया था, लिखाया जाता है, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है, चीजें क्लास में याद होती हैं, ऑनलाइन क्लास में घर में बढ़िया नींद आती है, चालू करके सो जाते हैं। ऐसे अगर बेटे सिलेक्शन होने लगे तो बात ही अलग। हाँ ये बात अलग है, आप कुछ फैक्ट ले सकते हैं, कुछ आप टेस्ट सीरीज वगैरह बैठ के लगा सकते हैं, लेकिन बेटे शुरुआत अगर आप कर रहे हैं और आप अगर प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस पूरा करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि कोचिंग है, तो बेटा फिर ऑफलाइन का कभी कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। नहीं तो मैं कब से ऑनलाइन करके कर लेता, और हो सकता है कि बहुत पैसा भी लोगों की तरह कमा लेता। कई ऐसे ऐसे सिपाही कॉन्स्टेबल के लेवल भी नहीं है और वो आज बेवकूफ बना बना के खूब पैसा कमा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात बेटा यह है कि अगर यूपीएससी और पीएससी अगर आपको देना है तो बेटे आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, क्योंकि मेंस तो लिखना पड़ेगा। एमपीपीएससी का प्री आप लोग देख रहे हैं कि किस लेवल से है, मेरिट कहां जा रही है। एमपीपीएससी मेंस आप देख रहे हैं कितना लेंदी है, पहले वन लाइनर है वो 3-3 नंबर के हैं, फिर 50 शब्द हैं, वो इतने सारे क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, फिर 11 नंबर, फिर 200 का बड़ा क्वेश्चन है, इतना लेंदी पेपर है, उसको आप बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के, बिना सामान्यता आप जो है भाई कागज कलम चला करके रजिस्टर भर भर के, उसके बिना बेटे आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो बेटे ये तो आपका भाग्य, मैं इसमें नहीं कह सकता, लेकिन कर्म के आधार पर तो इतना जरूर बोलूंगा कि बिना बेटे प्रयास के, बिना अभ्यास के कोई भी मुख्य परीक्षा या कोई भी बड़ी परीक्षा नहीं निकल सकती। इसलिए बहुत अच्छे से अब मेहनत करो, अब समय नहीं है, लगातार प्रीलिम्स है, लगातार अगला प्री है, फिर अगला आ जाएगा 25 का, लेकिन एक बार आपको प्रीलिम्स पूरा तैयार और एक बार पूरा मेंस का सिलेबस तैयार आपको करना पड़ेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, आपको लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लर्न करोगे तो ही अर्न करोगे, और लर्न नहीं करोगे तो अर्न नहीं करोगे। और देखिए सफलता एक इस ऐसा दरिया है जिसको सामान्यतः आपको डूब करके ही उसको पार करना है। सतही ज्ञान से आप इतने बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा।
है ना। मैं हमेशा कहता हूं जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पेट। आपको अगर अपनी मंजिल प्राप्त करना है तो आप जहां चाहते हैं वो मंजिल आपको वहीं मिलेगी, लेकिन आपको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा। जब तक उतरेंगे नहीं तब तक ये केवल और केवल कोरे सपने हैं, ये केवल सपने हैं, हकीकत नहीं बन सकते। एक एक चीज का महत्व है और हर एग्जाम की एक अलग अप्रोच है। अभी एसआई में भी देखिए सिलेबस चेंज होने का चल रहा है, हो सकता है रिटर्न एग्जाम हो जाए। इतने बड़े बड़े जेएस के पेपर बनने की बात चल रही है। केवल अगर आप देखें कि मैं अकेला इंग्लिश पढ़ लूं, अकेला जेएस पढ़ लूं, अकेला गणित पढ़ लूं और मैं एग्जाम निकाल लूं, आप देख रहे हैं पॉसिबल नहीं है। यूपीए एसएससी का भी सीजीएल आप देख लीजिए, मेंस में जीएस का कितना वेटेज बढ़ गया, चेंज हो गया पैटर्न। अब वो अगर आप सोच रहे हैं कि केवल मैथ रीजनिंग पढ़ के एसएससी निकाल लें, कभी पॉसिबल नहीं। और आप ये भी सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरा जीएस पढ़ा दे तो ये भी बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो हर विषय में डेप्थ चाहिए और हर विषय की डेप्थ एक एक्सपर्ट ही करा सकता है। यूपीएससी के लिए मेरे साथ साथ हमारे यहां हैदराबाद के, दिल्ली के, इंडिया के टॉप फैकल्टीज आज हम ग्वालियर में बुलाते हैं। आप फ्री डेमो आकर के लीजिए और देखिए। यूपीएससी इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच चलता है, यूपीएससी हिंदी मीडियम सेपरेट बैच चलता है, मेंस का अलग चलता है, प्री का अलग चलता है, एमपीपीएससी हिंदी मीडियम बैच अलग चलता है, मेंस का, इंग्लिश मीडियम मेंस का अलग चलता है। सारे टॉप फैकल्टी इंडिया के आते हैं, पढ़ाते हैं मेरे साथ, और इसके साथ साथ जो है भाई प्रीलिम्स के सारे बैच अलग चलते हैं। एसएससी की अप्रोच से एसएससी का बैच अलग चलता है, एसआई की अप्रोच से एसआई का बैच अलग चलता है। सभी के हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, और डिफेंस में सबसे ज्यादा आज हम लेफ्टिनेंट बना रहे हैं। आप देखिए हमारे यहां डिफेंस के बैच सेपरेट चलते हैं और टॉप लेवल की फैकल्टीज इंडिया की आकर के बच्चों को पढ़ाती है। और इतने ही नहीं, हम एसएसबी भी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और यही कारण है कि आज नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में हम बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। डिफेंस में, एसएससी में, एसआई में, पीएससी में, यूपीएससी में रिकॉर्ड रिजल्ट। और ये रिकॉर्ड रिजल्ट आज से नहीं, ये रिकॉर्ड रिजल्ट 25 साल से और आज भी हैं। और तब भी आनंद जादौन मार्कर लेकर के 8 से 10 घंटे पढ़ाता था, आज भी आनंद जादौन मार्कर लेकर के बच्चों को 8 से 10 घंटे मार्गदर्शन देता है। ना तो मेरे कर्म में कमी आई, ना मेरे जुनून में कमी आई, और ना मेरे इंस्टीट्यूट के कर्म में कमी आई, और ना मेरे इंस्टीट्यूट के एक एक टीचर के जुनून में कमी आई। और इतना ही नहीं, मेरे बच्चों के जुनून में भी मैं कोई कमी होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट में आ गया तो फिर मैं उसको जाने तो देता नहीं। जा तो वो सकता नहीं। और मजबूरी है उसकी, और बिना पढ़े वो क्लास में बैठ नहीं सकता। स्वाभाविक है एक बार आने के बाद सिलेक्शन के अलावा फिर कोई रास्ता नहीं। इसलिए आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सिलेक्शंस केवल इसीलिए, क्योंकि बच्चे को आने के बाद हम छोड़ते नहीं है जब तक उसको हम सिलेक्ट ना करा। उंगली पकड़ करके मैं बिल्कुल दरवाजे के अंदर तक धकेल कराता हूं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये उस व्यक्ति का है जो आज भी 8 से 10 घंटे बच्चों के साथ मेहनत करता है। ग्वालियर में भी, इंदौर में भी,
दिल्ली में भी जहां भी बुलाया जाता है वहां आज भी मैं जाता हूं, और सारे बड़े बड़े टीचर्स मेरे आते हैं, आप देखते ही होंगे। तो बेटे सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं, सिलेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, सफलता बड़ी चीज नहीं है, अगर प्रयास ईमानदारी का है। लेकिन अगर प्रयास ईमानदारी का नहीं है, प्रयास में अगर कमी है, संघर्ष में अगर कमी है, तो सफलता संदिग्ध है। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि प्रयास जितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। ईश्वर ने आपको सब दिया, कोई कमी नहीं रखी, अब आपके ऊपर है कि आप किस मंजिल का चयन करते, कहां जाना है। आप यूपीएससी का चयन कीजिए और तैयारी कीजिए, आज बहुत कम फीस में, ना के बराबर फीस में, आज ग्वालियर के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। आज बच्चा ये नहीं कह सकता कि दिल्ली, बंबई, अदर्स जगह से ग्वालियर के अंदर मेरी कोचिंग में टीचिंग एबिलिटी में कोई कमी है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, जो बड़े बड़े टॉप फैकल्टी अदर्स जगह पढ़ाते हैं, वो आज ग्वालियर भी आते हैं और क्लास चलती है। वो पुरानी बातें और पुराना समय चला गया, साहब ग्वालियर में कुछ नहीं, आज ग्वालियर में सब कुछ है, आप रिजल्ट देख सकते हैं, हम टॉपर्स दे रहे हैं। ग्रेजुएशन प्लस कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट लेकर के बच्चे को ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिशन दोनों कराने वाला अगर इंस्टीट्यूट कोई है तो सिर्फ जादौन साईएस है। आर्यांस ग्रुप ऑफ कॉलेज एकमात्र कॉलेज है जहां ग्रेजुएशन प्लस कॉम्पिटिशन हम दोनों कराते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को हम प्रीलिम्स पूरा कराते हैं, मेंस पूरा कराते हैं, पर जब साक्षात्कार की बात आती है, आज इतने सारे बच्चे मेरे से साक्षात्कार का प्रशिक्षण लेते हैं, और मैं देखता हूं कि वो बच्चे जिस फील्ड में ग्रेजुएट हैं उसकी नॉलेज ही नहीं। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी जैसे विषय के बच्चों से जब ये प्रश्न किया जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ ज्योग्राफी, और जब वो नहीं बता पाते तो फिर ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस की सारी मेहनत बेकार, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि फलानी जगह से डाल दिया, ढिकानी जगह से डाल दिया है और केवल एग्जाम देने जाना है और हम आईएएस बन जाएं, पीसीएस ऑफिसर बन जाएं, ये बेटे समय अब नहीं। क्योंकि आज साक्षात्कार में एक एक नंबर बहुत महत्व रखता है, और कई बच्चों का साक्षात्कार केवल ग्रेजुएशन पर ही चलता है। इसलिए आपको अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में भी नॉलेज होना उतना ही जरूरी है जितना आपका एग्जाम का सिलेबस। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि कॉलेज एजुकेशन को भी सीरियसली नहीं, अगर आपको वाकई में टॉपर्स बनना है, नहीं तो 5 और 10 नंबर भी अगर साक्षात्कार में कम होते हैं तो आप क्लास 2 से क्लास 3 आ जाते हैं और टॉपर से नीचे खिसक जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि तैयारी संपूर्ण कीजिए, संपूर्ण तैयारी समर्पण भाव से। इसलिए बच्चों एमपीपीएससी सामने है, एसआई आने वाला है और यूपीएससी आपके सामने है, लगातार आ रहा है, सारी चीजें हैं, कोई कहीं कमी नहीं है। इसलिए आप पूरी दम लगा करके आगे बढ़े, तैयारी करो, मेहनत करो। याद रखना, आपके संघर्ष के पथ पर हर जगह आनंद जादौन सदैव आपके साथ। कोई भी आंच आपके ऊपर तब आएगी, उससे पहले आनंद जादौन उससे गुजरे, बस ये उंगली पकड़कर चलिए, दरवाजे तक छोड़कर आओ। वादा है मेरा आपसे, पढ़ो, मेहनत करो, सफल हो। एक लक्ष्य तय करो और पूरी एनर्जी
पूरी ऊर्जा और पूरी आत्मा उसमें डाल, परिणाम सुखद ही प्राप्त हो। धन्यवाद।